हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक 8वें अध्याय के भगवद गीता के चर्चा सत्र में। प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम प्रार्थना से प्रारंभ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तो पिछले सत्र में हमने भगवद गीता के 8वें अध्याय के चौथे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादि दैवतं अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। भगवान कहे थे अर्जुन से कि हे देहभृतांबर, हे शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, क्षरः भावः अधिभूतं। तीन प्रश्नों के उत्तर भगवान ने इस चौथे श्लोक में दिए थे। पुरुषः च अधिदैवतम् और अत्र देहे अहम् एव अधियज्ञः। हमने विस्तार से चर्चा की थी कि क्षर भाव अधिभूतम, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका विनाश होने वाला है, जो टेम्पररी है। और हमने देखा था जो पंच महाभूत है, पंच महाभूतों से बनी जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि है उसे अधिभूत कहते हैं। पंच महाभूत कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आपको याद होगा हमने 7वें अध्याय के चर्चा करते समय चौथे श्लोक में इसका वर्णन देखा था। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने अपने अलग अलग शक्तियों के बारे में वहां पर बताया था। तो वहीं ये पंच महाभूत जो है उन्हें ये क्षरण होने वाला है, इनका इनकी क्षति होने वाली है, ये टेम्पररी है। इन सबको जो है वो अधिभूत कहते हैं। और अधिदैव पुरुषः च अधिदैवतम्, तो भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र ऐसे समस्त देवता सम्मिलित हैं उन्हें अधिदैव कहा जाता है। और पुरुष की परिभाषा हमने श्रीधर स्वामी जो कि श्रुति से कोट करते हैं ये भी हमने देखी थी। और अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः, इस देह में अंतर्यामी रूप में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो भगवान जो है, जो हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में जो निवास करते हैं अंतर्यामी के रूप में, उन्हीं को अधियज्ञ जो है वो कहा जाता है। तो भगवान अधियज्ञ है। अधियज्ञ के हमने तीन अर्थ देखे थे। एक यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता, उनको अधियज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ आदि कर्म प्रवर्तक है वो भी अधियज्ञ कहलाते हैं। और जो यज्ञ के फल को प्रदान करते हैं वो भी अधियज्ञ कहलाते हैं। तो इन तीनों के रूप में जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो भगवान के ही एक अंश है, उन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। और भगवान जो है वो सबके हृदय में स्थित है। ये हमने भगवान सारे यज्ञों के स्वामी है ये हमने गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में देखा था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान जो है वो सारे सर्व प्रकार के समस्त यज्ञों के भोक्ता है, तो इसलिए वो अधियज्ञ कहे गए। और इस श्लोक के प्रसंग में हम देख रहे हैं कि एव शब्द आ रहा है यहाँ पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों को साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। तो परमात्मा के माध्यम से संपूर्ण ये आत्मा और अन्य समस्त ये अधिभूत, इनको जो है वो चेतना प्राप्त होती है। हमारा शरीर जैसे वास्तव में ये जड़ है, पंच महाभूत से बना हुआ, ये चेतन क्यों है, ये हलचल हलचल क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा है। आत्मा को अपनी चेतना कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो परमात्मा से प्राप्त हो रही है।
और भगवान एव कह के कर रहे कि ये जो परमात्मा है और मैं भगवान, जो गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, जो भगवान अपने धाम में रहते वो भगवान, और अधियज्ञ के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए भगवान, ये भिन्न नहीं है, मानो एक ही है, इसलिए एव शब्द करके जोर दे रहे। और परमात्मा जो है वो केवल देख रहे हैं कि आत्मा क्या क्या कर रहा है। 13वें अध्याय में भी इसका वर्णन आता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान उपद्रष्टा है, तो परमात्मा के रूप में भगवान केवल देख रहे हैं। और इसका इसका प्रमाण हमने मुंडक उपनिषद से भी देखा था, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षे परिषस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्यंत न अनश्यन्यो अभिचाक शीति, कि दो ये पंछी होते हैं, एक पंछी द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, दो दो मित्र पक्षी है, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु, एक जो है वो इसका फल का आस्वादन कर रहा है और दूसरा अनअश्नन, दूसरा खा नहीं रहा है लेकिन अभिचाक शीति, वह देख रहा है कि ये क्या खा रहा है, तो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है ये आत्मा, ये केवल परमात्मा जो है वो देखते रहते हैं। और भगवान सबके हृदय में परमात्मा कैसे है ये हमने गीता के दो श्लोकों के माध्यम से देखा था, ये 15वां अध्याय का 15वां श्लोक सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो वाला, और एक 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान कहे कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो कोई यदि आपको प्रमाण पूछे तो गीता का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक जो है वो प्रमाण है कि भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। और भगवान ने हमने देखा था कि देह भृतां वर ये शब्द क्यों प्रयोग किया था, देहधारियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, ऐसे भगवान कहे थे। यहाँ पर अर्जुन के लिए देह भृतां वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। तो जो जान लेता है कि इस देह में परमात्मा है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ हुए, क्योंकि अर्जुन जान रहे हैं साक्षात भगवान से, इसलिए अर्जुन क्या हुए, सारे देहधारियों में श्रेष्ठ हुए। तो इस प्रकार से हमने सारांश में ये भी देखा था कि हमने जो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे, किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसीनात्मभिः। 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कुल 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें थे ये 6 प्रश्न जो है उसके उत्तर भगवान जो है वो दे चुके हैं। और खास करके हमने ये 3J ये भी देखा था, जीव यानी हम सब, जगत यानी अधिभूत ये संपूर्ण सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी हुई, और जगदीश इन दोनों के स्वामी जो है वो जगदीश, तो जीव जगत और जगदीश इनका विभाजन यदि हम लोग करते हैं तो इस प्रकार से ये होता है। तो जो दर्शन के दृष्टिकोण से, दर्शन यानी दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखते हैं तो ब्रह्म और अधियज्ञ जगदीश के हिस्से हुए, अध्यात्म और अधिदैव जीव के हिस्से हुए, और कर्म और अधिभूत जो है वो इस जगत के हिस्सा हुए। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान अभी तक अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो आपको पता होगा हमने देखा था 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे भगवान से, और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो अभी अर्जुन का जो 7वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी, कि ऐसा आत्मनियंत्रित व्यक्ति अंतकाल में आपको कैसे जान सकता है, इसका उत्तर, ये 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर अभी 5वें श्लोक से देना भगवान प्रारंभ करते हैं। और ये उत्तर लगभग लगभग अध्याय के अंत तक चलेगा, ये बड़ा उत्तर है भगवान ने दिया हुआ। ऐसे कई सेक्शन से गीता में कुल मिला के अर्जुन ने 17 प्रश्न पूछे थे, और 17 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम में हमारे सामने गीता है, भगवद गीता संपूर्ण। तो कुछ प्रश्न अर्जुन के ऐसे हैं जिसमें भगवान ने केवल 2-3 श्लोकों में उत्तर दे दिया है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें
बड़ा उत्तर दिया हुआ है। कई कई प्रश्न तो ऐसे हैं कि दो तीन अध्याय निकल जाते हैं उत्तर देते देते इस प्रकार से। तो ये एक ऐसे प्रश्न है अर्जुन का जो आठवें अध्याय के शुरुआत में जो सातवां प्रश्न अर्जुन ने पूछा हुआ है उसका उत्तर भगवान संपूर्ण अध्याय में देंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। और आज का श्लोक खास करके बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। तो इसका हम लोग श्री प्रभुपाद जी ने कई बार इस श्लोक को अपने तात्पर्यों में जो है वो उद्धृत किया हुआ है। तो हम एक-एक शब्द का उच्चारण करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट योरसेल्फ। गौरांगी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक-एक शब्द मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ, अंतकाले, अंतकाले, अंतकाले क्या अंतकाले च क्या च माम 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 एवा एव 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 मरन स्मरन मरन स्मरन मुक्त्वा 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 कलेवरम 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 यह प्रयाति यह प्रयाति 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 स स स स मद्भावम 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 याति 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 न न न न अस्ति 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 अत्र अत्र अत्र। अत्र तो यहाँ पर पाणिनि के दो नियम लगते हैं और एक पूर्ण संपूर्ण एक शब्द बन जाता है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि और यण संधि दोनों एकत्र होते हैं, शब्द बनता है नास्त्यत्र नास्त्यत्र संशयः 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। अंतकाले च मामेव अंतकाले स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् च मामेव स्वरं यः प्रयाति समद्भावम् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जाति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अंतकाले हरे कृष्ण। च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः नास्त्यत्र संशयः। नास्त्यत्र संशयः। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंकिता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। थैंक उत्तम। यू सो मच हरे कृष्णा। आखिरी लेते हैं अपर्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो ये श्लोक है, आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। बट समझने के लिए बड़ा आसान श्लोक है, ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन इसमें जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। यह अंतकाले च, और जो व्यक्ति अंतकाल में, अंतकाल मतलब इस शरीर को त्याग करते समय आएगा उसका अंतकाल में, माम एव स्मरण, माम एव केवल मेरा ही स्मरण करते हुए, स्मरण स्मरण करते हुए, कलेवरम, कलेवर का अर्थ होता है हमारा शरीर, कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, अपने देह को छोड़कर जाते समय अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण कर लेता है, यह सह वह व्यक्ति मद भावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है यानी मेरे धाम को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है, मेरे जैसे स्वरूप को प्राप्त करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये बड़ा आसान श्लोक है, आइए देखते हैं श्री प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कैसे करते हैं। और ये च जो है ना, च का अर्थ यहाँ पर और है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ऐसा जो है वो श्री प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं। तो इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि यह अंतकाले च मामेव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, इसका अर्थ है और जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, तो हम सभी को तो पता है ही कि हम सभी को अपना शरीर तो छोड़ना ही है, हम एक आत्मा है, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध कर दिया है, अभी हम लोग 8वें अध्याय पे है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा जो है वो इस देह में प्रवास करता है, जिस प्रकार से छोटा बच्चा, बड़ा व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति, शरीर बदली हो रहे हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है, उसी प्रकार से देह त्याग करते समय आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, इसे जो है वो मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, और दूसरे शरीर में जब आत्मा जाता है तो अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इस सूक्ष्म शरीर को भी साथ लेके जाता है। तो इसलिए स्मरण जो होता है वो मन से होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो शरीर को तो छोड़ना होता ही है, लेकिन उस शरीर को छोड़ते समय क्या चीज का स्मरण हो रहा है, हम किसका स्मरण कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर देता है, सह मदभावम याति, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। मेरे स्वभाव को मतलब भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव, भगवान सच्चिदानंद है और भगवान शाश्वत है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति भगवान के शाश्वत धाम में चला जाता है। भगवान का धाम कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां पर जाने से वापस वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा, इस प्रकार से जो वो भगवान बताते हैं। और ये भी बताते हैं अत्र न संशय, रूपा जी लिखते हैं इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है, कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा जरूर होगा। इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जैसे अलग अलग लॉज आपने सुने होंगे ना, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे अलग अलग लॉ है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में लॉ ऑफ लास्ट थॉट, आपका जो अंतिम विचार है वो क्या है, अंतिम विचार यदि भगवान को स्मरण करते हुए हम लोग देह त्याग करेंगे तो भगवान के धाम को हम लोग निश्चित प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये तीन तीन स्लाइड जो हमने देखे इसमें हमारा श्लोक पूर्ण हो गया, लेकिन अभी हम लोग इसके गहराई में थोड़ा जाएंगे।
तो जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, यह अनुवाद है। और यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक समय में तथा प्रत्येक स्थान के लिए है। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सिद्धांत है, फिर वो छोटा बच्चा है, बूढ़ा व्यक्ति है, या फिर कोई कोई प्राणी भी क्यों नहीं, वो भी यदि भगवान का स्मरण कर रहा है अंतकाल में। और दूसरा, ये प्रत्येक समय के लिए है, कौन सा भी समय क्यों ना हो। लोग बोलते हैं ये शुभ समय है या अशुभ समय है, इसने इस दिन देह त्याग किया। कौन सा भी समय क्यों ना हो, दिन का समय हो, रात का समय हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, कौन सा भी समय क्यों ना हो, हर एक समय में, हर एक समय के लिए यह नियम लागू है, और उसके साथ साथ प्रत्येक स्थान के लिए लागू है। हर एक स्थान के लिए लागू है। कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में देह त्याग करेगा, उसकी एक अलग अपनी महती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कोई कहेगा भगवान के धाम में, जैसे काशी में या वृंदावन में, ऐसे भगवान के धाम में यदि अपना देह त्याग करेगा तो ही भगवान के धाम जाया जा सकता है। कोई यदि अलग शहर में रह के या विदेश में रह के यदि देह त्याग करेगा तो उसकी क्या गति होगी। तो एक्चुअली उसकी गति जो है वो अंतिम समय में उसकी मति कहाँ पर है उसके ऊपर निर्धारित की जा सकती है। तो गति डिपेंड्स ऑन मति, हमारी मति क्या है आखिर समय में। हालांकि ये बाहरी चीजें जो है कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन से समय में जा रहा है, कौन से स्थान में है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये सारी चीजें मदद करती है हमारी मति को बनाए रखने के लिए। इसलिए हमारी मति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मति हमारे स्मरण में यदि भगवान श्री कृष्ण है तो हम लोग कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कौन सा भी समय क्यों ना हो और कौन से स्थान पर भी क्यों ना हो, हम लोग जरूर भगवान के धाम जा सकते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं और जोर देके कह रहे हैं। नास्त्यत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन सा व्यक्ति, कौन से समय और कौन से स्थान पर जा रहा है, ये सभी के लिए जो है वो ये नियम लागू किया जा सकता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की ओर से विशेष छूट कि भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैंने मनुष्य शरीर व्यक्ति को इसके लिए दिया है कि ये इस शरीर का उपयोग करे, शरीर का प्रयोग करके अपना जो विस्मृति हुई है भगवान से उस स्मृति को जागृत कर ले, इसलिए मनुष्य जन्म दिया हुआ है। लेकिन यदि ये सारा जन्म उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो भगवान एक बोलते ना लास्ट थ्रेड वो भी छोड़ के रखे कि चलो तुम आखिरी समय में भी मेरा ध्यान क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो ये भगवान ने बड़ी जो है वो छूट दे रखी है कि अंतकाल में भी यदि कोई मेरा स्मरण कर लेगा तो मैं उसे भगवान के धाम में, मैं अपने धाम में उसे लेके जाऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। देर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमारे मन में संशय हो सकता है, इतनी मगजमारी करो, इतनी भक्ति करो, उससे अच्छा लास्ट में भगवान का स्मरण कर लेंगे। तो एक्चुअली ये भगवान ने दी हुई छूट है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है उसके मन में ये श्लोक सुन के विचार आ जाए कि भगवान का स्मरण तो आखिरी समय में करना है ना, तो भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे, तो मैं अभी क्या करूंगा, फुल लाइफ एंजॉय, मैं अपने मनमानी हिसाब से जीवन जीऊंगा और भगवान का नाम का स्मरण आखिरी में कर लूंगा। आपको क्या लगता है, इतना आसान है भगवान का स्मरण हो पाना। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं करते हैं, कई बार कई कई मालाएं ऐसी हो जाती है कि इसमें भगवान का स्मरण भी नहीं होता। जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मरण नहीं हो रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कहाँ जाता है नाम स्मरण, तो नाम स्मरण करने के लिए कहाँ जाता है। नाम जप एक वस्तु है, नाम स्मरण और एक वस्तु। तो भगवान का स्मरण हमें होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाया करते थे एक बूढ़ी औरत की और उसके एक पति की। ये कार्टून बड़ा प्रसिद्ध हो गया था उस समय। तो ये औरत, ये जो बड़ा व्यक्ति है वो मरणासन्न अवस्था में जब मृत्यु शैया पर था तो वो बोलती है उसे चैंट चैंट चैंट,
अब जप कीजिए, आप अभी मरणासन्न अवस्था में हैं। वो कहता है कांट कांट कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो बाकी सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम इतना आसानी से मृत्यु के समय में जो है वो नहीं आ सकता। इसलिए राजा कुलशेखर सिंह अपने एक ग्रंथ, उन्होंने जो लिखा हुआ है मुकुंद माला स्तोत्र, उसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का ये बड़ा प्रिय श्लोक था और सदैव श्रील प्रभुपाद जी से गाया करते थे, कभी नहाते समय, कभी भोजन करते समय इसको वो गाते थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो क्या कहते हैं राजा कुलशेखर, बड़ा सुंदर श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम्, हे भगवान आपके चरण कमल में, अद्यैव मैं विशतु मानस राजहंस, अद्यैव अभी अभी जो है मैं गीता को सुन रहा हूँ, अभी मेरा मन जो है वो आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। मन मानस राजहंस, राजहंस से वो तुलना करते हैं अपने मन की, अभी मेरा मन आपके चरणों में लग जाए और अभी मानो जो है वो मेरा देहत्याग हो जाए तो चल जाएगा। क्यों अभी देहत्याग हो जाए? क्योंकि वो कहते हैं प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठ अवरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, कि जब मैं देह का त्याग करते रहूंगा तो कफवात पित्त, ये तीन कुनपेत्री धातु के, हमारा शरीर तीन धातुओं से बना हुआ है, कफवात और पित्त, तो कंठ अवरोधित हो जाएगा मृत्यु के समय में। हमें पता है बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो बड़ा कफ और पित्त और वात ये सब बढ़ जाते हैं, ये इनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो इनका इम्बैलेंस जब हो जाएगा, जब मेरा प्राण छूटेगा, तब भगवान आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए अभी मेरा मन जो आपके चरण कमलों में लग जाए और अभी आपका स्मरण करते हुए ही मेरे प्राण चले जाए तो भी चलेगा। ऐसा ये राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि सही में हमें पता नहीं कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति होगी, वी डोंट नो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक में। वो कहते हैं स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इसी श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं स्मरण बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि अशुद्ध जीव रहेगा तो वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। जितना चित्त अशुद्ध है उतना स्मरण कम होता है, और जितना शुद्धि हो जाती है चित्त की उतना भगवान का स्मरण बढ़ते जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। हमें तो अभ्यास करना ही होता है ना। एक उदाहरण देता हूं मैं, कल्पना। ऐसा यदि कहा जाता है कि केवल ओलंपिक में 100 मीटर कोई भाग लेता है तेज गति से तो उसे सुवर्ण पदक प्राप्त हो जाएगा, गोल्ड मेडल। ओलंपिक में 100 मीटर भागने से गोल्ड मेडल मिल जाएगा, आप तेजी से भागेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेक करके सबको हरा देंगे और आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो यदि 100 मीटर तो बड़ी बात नहीं है, आप कहेंगे मैं भाग लूंगा, उस समय भाग लूंगा, जब भी भागना का समय आएगा तभी मैं भागूंगा, तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। उस समय भागने से थोड़ी गोल्ड मेडल मिलने वाला है, उसके लिए लोग 4 4 साल मेहनत करते हैं। एक बार एक ओलंपिक में एक व्यक्ति हार गया था, ओलंपिक समाप्त हो गए और वह व्यक्ति एक दिन ऐसे ही भाग रहा था रास्ते के ऊपर, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, अरे ओलंपिक खत्म हो गया अभी क्यों भाग रहे हो? बोले मैं अगले ओलंपिक की तैयारी प्रारंभ कर दी है। लग 4 4 वर्ष लोग प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा घिसते हैं ताकि वो आखिरी दौड़ दौड़ पाए। माइकल फेल्प्स एक अमेरिका का बड़ा प्रसिद्ध तैराक है, स्विमिंग चैंपियन,
तो वो बताते हैं कि उन्हें कई सारे गोल्ड मेडल्स मिले हुए हैं। तो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि केवल 100 मीटर जल को लांघने के लिए मैंने संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रखी है। अर्थ क्या हुआ? केवल 100 मीटर की वो दौड़ होने वाली आखिरी, जिसमें गोल्ड मेडल मिलने वाला है स्विमिंग में, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस कितने की है? संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाएगी इतनी प्रैक्टिस की है। तो इतना अभ्यास उस व्यक्ति ने किया हुआ है, तब जाके वो आखिर की जो रेस है उसमें जीत पा रहा है और स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे कोई व्यक्ति, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है अंते नारायण स्मृति, ही जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो। इसलिए प्रहलाद महाराज यही बताते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म आपको प्राप्त किया है कौमारम, कुमार अवस्था से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आयु के 5 साल से ही हमें प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देना होगा, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म का गोल्ड मेडल लेना है। मनुष्य जन्म का गोल्ड मेडल क्या है? अंते नारायण स्मृति, ही अंत काल में भगवान के नाम का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो, यह हमारे लिए गोल्ड मेडल है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। वो ओलंपिक वालों को तो पता होता है कि उनकी ओलंपिक कभी आने वाली है, 4 साल बाद आने वाली है। क्या हमें पता है हमारा अंत काल कब आने वाला है? हमें तो वो भी पता नहीं है हमारा अंत काल कब आने वाला है। तो इसके लिए कितनी अधिक प्रैक्टिस करनी होगी हमें, आप सोच सकते हैं। तो जीवन भर के अभ्यास के अनुसार ही व्यक्ति की मरण काल में मति और उसके अनुसार गति होती है। जिस प्रकार का अभ्यास व्यक्ति ने जीवन भर किया हुआ है, वही उसके मरण काल में उसके मति में होगा, और जो मति में होगा उसी के अनुसार उस व्यक्ति की गति होगी। यदि कोई व्यक्ति बड़ा पापपूर्ण जीवन जी रहा है तो उसे मृत्यु के समय यमदूतों का दर्शन करना होगा। इसलिए हमारी जो साधना है, उस साधना के प्रति समर्पित भाव नहीं है। तो समर्पित होकर जब हम साधना करते हैं, डेडिकेटेड साधना, उसी से जो है वो हमारी मति बन सकती है। इसलिए हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा अंतकाल हमें पता नहीं है, और मुझे अभी स्मरण हो रहा है कि संत तुकाराम महाराज, वो भी अपने अभंगों में इसी प्रकार से कहते हैं। मराठी में वो कहते हैं, याच साठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिवस गोडवावा। मैं इसलिए इतना मेहनत किया हूं कि आखिर का दिन मेरा स्वीट हो जाए, मधुर हो जाए। मधुर यानी भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान मिल जाए। इसलिए ये सारा अट्टहास हमने जीवन में किया हुआ है। इसलिए जो सारे विधि नियम जो भी हम करते हैं, अभी अधिक मास चल रहा है, हम देखते हैं बहुत लोग अलग अलग तपस्याएं कर रहे हैं। कोई हर रोज नदी में नहा रहा है, कोई हर रोज मंगल आरती में आ रहा है, कोई हर रोज अधिक मालाओं को कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सब का निचोड़ क्या है? सारे जो नियम हम लोग पालन करते हैं वो केवल दो नियमों के सेवक है। स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधस्युर एतयोर किंकर। ये किंकर, ये सारे विधि नियम ये दो नियमों के किंकर है, सर्वंट से, दास है। कौन से है प्रमुख दो नियम? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सतत भगवान विष्णु का स्मरण करो। विस्मर्तव्यम न जातुचित, उनका कभी विस्मरण न हो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये दो नियम है। वैसे देखा जाए तो दोनों नियम एक ही है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा तो स्मरण में है, तो विस्मरण में कहाँ से होंगे। लेकिन फिर भी जोर देके कहा गया कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी भी हमेशा यही करते कहते थे। तो जीवन भर हमें उसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे ना,
उसी प्रकार से हमारी मति होगी। हम लोग देखते हैं ना, जब जीवन में हमारा कठिन समय आ जाता है तो हमें किसका स्मरण होता है? छोटे बच्चों को देखिए, या हमारे जीवन का अवलोकन करके देखिए। हम लोग रास्ते से जा रहे, ठोकर लग जाती है और गिरने वाले होते, हम लोग अचानक गिर गए, आई गो, हमारी माँ का स्मरण होता है। रास्ते से जा रहे, अभी बारिश का सीजन है, हमने गलती से बड़ा सांप देख लिया, बाप रे इतना बड़ा सांप, तो पिताजी का स्मरण हो आया। क्योंकि जब ठोकर लग गई तो पता है कि माँ उसकी देखरेख करने वाली है, इसलिए मम्मी का स्मरण हो गया। बड़ा सांप देख लिया तो मम्मी अभी कुछ नहीं करेंगी, पिताजी लगेंगे वहां पर, तो पिताजी का स्मरण हो आया। तो हम जब भी संकटकालीन स्थिति में होते हैं तो हमें स्मरण किसका होता है? तो देखिए, अभी मृत्यु के समय में जब हम होंगे, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, अभी सांप आएगा तो हमें काट लेगा और मेरी मृत्यु हो सकती है, ऐसा हम लगे तो कुछ मेरे मतलब मेरे शरीर छूट जाएगा, तो इतना हम लोग आसक्त रहेंगे शरीर से, तो उसको बचाने के लिए हम लोग किसी ना किसी का सहारा लेना चाहेंगे, और हम लोग उसी का सहारा लेंगे जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया हुआ। इसलिए शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आता है अजामिल का, श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में अजामिल का उदाहरण आता है, अजामिल आख्यान, बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है श्रीमद् भागवतम का। तो अजामिल एक बड़ा श्रुति संपन्न शीलवान एक व्यक्ति था, ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ था। एक बार पिताजी की आज्ञा से जब वो फूल लाने के लिए गया था पूजा के लिए, तो उसने एक अश्लील दृश्य देख लिया, एक वेश्या और एक पुरुष को संभोग करते हुए। तो उसके मन में वही विचार चले और वो विचारों के ऊपर मनन चिंतन करते रहा, और भगवान गीता में बताते हैं मनन चिंतन विषयों के ऊपर करेंगे तो क्या होता है, दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसका पतन हो गया। तो उसने वो उस वेश्या को घर पे लेके आया, सब घर वालों को घर से बाहर निकल दिया, और उस वेश्या से उसको 10 पुत्र हुए। तो एक बड़ा पापी जीवन जीने लगा। सौभाग्य से उसने अपने छोटे बच्चे का नाम, सबसे छोटा जो बच्चा था उसका नाम रख दिया था नारायण। तो जब मरणासन्न मृत्यु के शैया पर जब वो अजामिल था, तब जैसे मैंने कहा कि किसका अभ्यास, तो वो बार बार अभ्यास करता था, नारायण यहाँ आओ, नारायण चलो मेरे साथ भोजन करो, चलो नारायण लूडो खेलते हैं, तो ऐसा नारायण नारायण सब बार नारायण नारायण करता रहता था। अंतिम समय में भी उसने नारायण को पुकारा, उसके बच्चे को पुकारा, उसके बच्चे को पुकारा। अभी इतने सारे पाप किए थे, अंतकाल था, इसलिए देखिए आप यहाँ पर 3 यमदूत आए हुए हैं, ये जो 3 है अजामिल के लेफ्ट साइड में, ये 3 लोग उसको लेने के लिए आए थे यमदूत, क्योंकि बहुत सारा पाप किया था, 3 प्रकार से काया वाचा मनसा पाप किया था, इसलिए 3 यमदूत आ गए। और क्योंकि उसने नारायण को बुलाया तो इसलिए विष्णुदूत आ गए, विनारायण 4 अक्षर वाला शब्द है, इसलिए 4 विष्णुदूत यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, 4 अजामिल के राइट साइड में खड़े 4 विष्णु तो आए। ये विष्णुदूत और यमदूत, इनके बीच में संवाद हो जाता है, अरे कौन लेके जाएगा इसको? फिर बड़ा घमासान उनका डिबेट होता है वहां पर। यमदूत कहते हैं कि आपको पता नहीं है, इसने इतने 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 सारे पाप गिनाते, वो सब कुछ बोलने के बाद फिर विष्णुदूत संवाद करना प्रारंभ करते हैं 6 स्कंद के 2 अध्याय में, पहले 2 अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन आता है। तो यह विष्णुदूत बोलते हैं कि नहीं, इसने तो भगवान का नाम लिया है, और जो भगवान का नाम ले एक बार ले लेते हैं, उसने सारे प्रायश्चित कर्म कर लिए हैं, उसे यमलोक भी नहीं जा सकता, उसको भगवान के धाम में हम लोग लेके जाएंगे। तो फिर वो विष्णुदूत वहां से चले जाते हैं, यमदूत यमराज के पास चले जाते हैं, और यमराज को पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको तो कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, हमको किसी ने ठुकराया नहीं, हम लोग आपकी सेवा में हैं, आपसे भी बड़ा कोई मास्टर है क्या, किसको लाने का किसको नहीं लाने का, ऐसा कैसे हो गया? तो यमराज वहां पर, यमराज तो बड़े महाजन है, भगवान के सेवक है, तो वो यमदूतों को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं श्रीमद भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय में उसका वर्णन आता है। तो यमदूतों को यमराज जी स्वयं बताते हैं कि देखो, जो भगवान का नाम का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, वहां पर हमारा अधिकार नहीं रहता। और संपूर्ण लीला ये होने के बाद सुखदेव गोस्वामी निष्कर्ष बताते हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्र पचारितम,
अजामिलोप्यगा धाम किमुत श्रद्धया गृणन। बड़ा सुंदर वो कहते हैं कि अजामिल के बारे में, म्रियमाणो हरेर नाम, मरते समय म्रियमाण, म्रियमाण यानी मरते समय, अजामिल ने मरते समय भगवान का नाम लिया, म्रियमाणो हरेर नाम, और भगवान का नाम नहीं लिया, गृणन पुत्रोपचारितम, अपने बच्चा, अपने बच्चों को बुला रहा था, अपने बच्चे, उस बच्चे, उसके बच्चे का नाम था नारायण, वो अपने बच्चों को बुला रहा था। देखिए पुराने जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे कि केवल नाम रखने से पूरा अजामिल का आख्यान हो गया, एक्चुअली केवल एक एक बच्चे का नाम से पूरा श्रीमद् भागवत में 3 चैप्टर बन जाते हैं। तो हम लोग बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दीक्षा के समय गुरु पहले उस व्यक्ति का नाम आध्यात्मिक बना देते हैं। अभी तुम्हें जो भी पुकारेगा उसको आध्यात्मिक, तुम खुद का नाम बताएंगे तो आध्यात्मिक बताएंगे। तो आध्यात्मिक नाम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुराने जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे ना, नारायण, या अभी हम लोग रखते हैं गौरांग, गौरांगी, कृष्ण, राम, इस प्रकार से। तो म्रियमाणो हरे नाम, मरते समय अजामिल ने नाम लिया, गुणन अपने नाम लिया, हरि का नाम भी नहीं लिया, गुणन पुत्रोपचारितम, अपने पुत्रों को बुलाया, अजामिलो भी, अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी अगा धाम, भगवान के धाम को चला गया, किमुता श्रद्धया गुणन। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक हर रोज भगवान के नाम का जप करेगा वो क्यों भगवान के धाम में नहीं जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। किमुत श्रद्धा गुण, किमुत न्याय, कैमुत्य न्याय कहते हैं, अलग अलग न्याय होते हैं उसमें, कैमुत्य न्याय, अरे ये व्यक्ति जा सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकता, अरे 50% वाले को एडमिशन मिल गया तो 90 वाले को क्यों नहीं मिलेगा एडमिशन, इस प्रकार से उसे कहते हैं किमुत न्याय। तो एक तो मरते समय उसने लिया, एक तो पुत्र को पुकारा था, और बड़ा पापी व्यक्ति था, तो ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन होने के बावजूद ये व्यक्ति भगवान के धाम में गया। तो जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक पुत्र को नहीं भगवान को पुकारते हुए भगवान का नाम लेगा तो वो भगवान में, भगवान के धाम जाएगा, इसमें कोई संशय थोड़ी है। और भगवान स्वयं बोले नास्त्यत्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए जो है हम जो सेवा करते हैं सेवाओं में ये सेवा को ऐड करना चाहिए। कौन सी सेवा है, कई कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसे विग्रहों का फोटो दिखाना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति हम लोग देखते हैं, मुझे कुछ लोग बुलाए थे एक बार, हमारी दादी है, कोई बड़ी बूढ़ी हो गई है, अभी क्या करें हम लोग, क्या क्या करें। मैंने सबसे पहले कहा उनके सामने, आंखों के सामने भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, विग्रहों का फोटो रख दो। उस व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाना चाहिए, क्यों, शिल प्रभुपा जी का कीर्तन का टेप आता है उसे लगाना चाहिए, हम लोग बैठ के उनके बगल में जप कर सकते हैं, कीर्तन लगा सकते हैं, उनको भगवान की याद दिलानी चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, भगवान कितने महान है, भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत से सुननी चाहिए, गीता के श्लोक सुनने चाहिए, हम लोग गीता के श्लोक सुना सकते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी ये अभिन्न है। जितना हम लोग भगवान भगवद गीता के संपर्क में आते हैं, भगवद गीता का उच्चारण करते हैं, उतना हम लोग सीधा भगवान के साथ कनेक्शन में, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य वाणी है। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना, पूरा वायुमंडल बन जाता है भगवत संबंधी, और भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां पर यमराज के दूत नहीं आते हैं, यमराज के दूत नहीं आते हैं, क्योंकि यमराज जी ने स्वयं उन्हें इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, श्रीमद् भागवत में उसका प्रमाण है, 6 स्कंद 3रा अध्याय, एवं विमृश्य सुधियो भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मे न दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम स्यात् पातकम् तदपि हन्ति उरुगाय वादः। कितना सुंदर यमराज बताते हैं यमदूतों को उसी अजामिल आख्यान में, एवं पूरे उपदेश दे दिया है किस व्यक्ति को नहीं लाना है, किस व्यक्ति को लाना है, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तान आनयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। जिसने विष्णु के कृत्य नहीं किए उसको आनयध्वम, उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ, किसको, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा ने भगवान का नाम का जब एक बार भी नहीं किया है उसको मेरे पास लेके आओ, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने अपने चित्त में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान नहीं किया हुआ है उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ, कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, भगवान कृष्ण के सामने जिसने अपने सर को एक बार भी नहीं झुकाया है ऐसे लोगों को मेरे साथ, मेरे पास लेके आओ, ऐसा पूरा विस्तार से बता दे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और एवं विमृश इस प्रकार से सब कुछ सुनने के बाद सुदियो भगवती अनंते, ऐसे बुद्धिमान लोग
जो इस प्रकार से अनंत भगवत में सर्वात्मना जो सबके हृदय में निवास करते हैं, और जो भक्तियोग भाव योगम जो भक्तियों का स्वीकार करते हैं, विदधे यानी स्वीकार करते हैं, जो भक्तियों का स्वीकार किए हुए अपने जीवन में, ते मेन दंडम अर्हति, वो मेरे दंड के भागी नहीं बन सकते, वो मेरे दंड के अधिकार से बाहर है। आप देखते हैं रास्ते से जाते हैं, नासिक नगर पालिका हद समाप्त, मतलब नगर पालिका समाप्त, अभी उसके आगे अगली अगली वाली गांव की ग्राम पंचायत लगने वाली है, तो हद समाप्त, तो वहां पर आगे चल के रूल अलग बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से यमराज कहते हैं कि मेरी हद समाप्त हो जाती है वहां पर, जो भगवान की भक्ति का अंगीकार कर लिए है। न दंडम अर्हति, वो मेरे दंड के भागी नहीं रहते हैं। स्यात् पातकम तदपि हन्ति उरुगाय, बड़ा से बड़ा पाप कर्म भी क्यों ना करने वाले हो वो लोग, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं जाने का। कौन बोल रहा है? यमराज स्वयं बोल रहे हैं यमदूतों को। तो देखिए भगवान की भक्ति स्वीकार करने का कितना बड़ा लाभ होता है। और सबसे पहला लाभ होता है कि यमलोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, डोर्स क्लोज, तो यमलोक नहीं जाएगा जिसने भगवान की भक्ति का जो है वो अंगीकार किया हुआ है। और अभी हम देखेंगे कि ऐसे कुछ प्रभाव होते हैं, वस्तु प्रभाव उसे कहते हैं, जिन प्रभावों के कारण हमारा भगवान का स्मरण आसान हो जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये श्लोक है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिका कहा जाता है, ये सात पुरियां हैं, ये तीर्थ का प्रभाव है, तीर्थ के प्रभाव से भगवान के प्रति स्मृति जागृत हो जाती है। ये सात पुरी कही जाती है, इनका स्मरण सदैव व्यक्ति ने करना चाहिए। अयोध्या जानते हैं, मथुरा जानते हैं, माया यानी हरिद्वार, काशी जानते हैं, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारवती द्वारका, सप्तैते मोक्षदायिका, ये सात पुरियां हैं जो मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास करता है तो भगवान के स्मरण में जो है वो एक अवसर प्राप्त होता है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां पर, तो संभावना है कि वह व्यक्ति भगवान की स्मृति, उसकी मति भगवान में लगे। अभी हाल ही में मैं काशी गया था कुछ सप्ताह पूर्व, वहां पर ऐसी आख्यायिका है, जहां वहां पर जो व्यक्ति देह का त्याग करता है, वहां पर शिव जी आके स्वयं उस व्यक्ति के कान में भगवान राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए इन्हें मोक्षदायिका कहा जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा कि हम लोग अभी पूरा पाप कर ले और अंत समय में हम लोग काशी चले जाएंगे और फिर वहां पर हमारा देह का त्याग करेंगे। तो जानबूझकर पाप करना, ये नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है, भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। हाँ पहले हमारे कुछ पाप हो गए होंगे, तो हो गए होंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग पाप करना बंद कर देते हैं, इसलिए हम लोग चार नियमों का पालन करते हैं ना, नो मीटिंग, नो गैमलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, हमने ये शाम तुंदगतम पापम जो सातवें अध्याय का श्लोक था 27-28, उसमें हमने चर्चा की थी उसकी, कि हम लोग अभी पाप करना बंद कर दिए हैं, तो हम लोग जानबूझ के पाप नहीं करते। तो जानबूझ के पाप करेगा कोई व्यक्ति और वो सोचेगा कि मैं अंत में भगवान का नाम का स्मरण करूंगा, तो वो चीटिंग हो गया। और भगवान द्यूतम छलयताम अस्मि, सारे चीटर्स के बाप है भगवान, फंसाने वालों के सबसे बड़े फंसाने वाले हैं, तो भगवान ऐसा कभी नहीं कर। तो ये स्थान स्थल का महात्म्य है, ये स्थल प्रदान है कि जब ऐसे स्थलों में व्यक्ति होता है तो साधारणतः उसकी चेतना भगवान में लग सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसी ऐसी ये जो मोक्षदायी का ये जो प्लेसेस है, यहाँ पर देह त्याग करना अच्छा माना जाता है। और भी जिस जगह आप कहेंगे हम तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, हम लोग पता नहीं यहाँ पर मृत्यु के समय जाएंगे कि नहीं, हमारा घर तो कहीं और सिटी में बैठा बसा हुआ है, कोई बात नहीं, जिस जगह भगवान के नाम का जप कीर्तन तथा सत्संग आदि होता है, वह जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। तो इसलिए हमारे जीवन का हमें अधिक से अधिक समय जो है वो ऐसे वायुमंडल की निर्मिति में लग जाना चाहिए, और फिर वो भगवान का मंदिर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अवर टेम्पल्स आर नॉन डिफरेंट देन वैकुंठ, ये वैकुंठ से अभिन्न है हमारे मंदिर। तो इसलिए क्यों? क्योंकि मंदिरों में भगवान का दर्शन, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग, कथा इत्यादि जो है वो सदैव चलता रहता है, और उसका एक जो वायुमंडल बन जाता है, उसकी प्रचीति हमें आती है,
आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर जब जप करते हैं तो उस स्थान का प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ जाता है अचानक। आप अनुभव कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए ब्रह्म मुहूर्त के समय में, वहां पर जप कीजिए, देखिए कितना फटाफट जप हो जाता है, समझ में नहीं आता, वहां पर आसानी से मन लग जाता है वहां पर। लेकिन आप ऐसी कोई बड़ी दूसरी दूसरी जगह रही है, घर में रही है या फिर ऑफिस में, या फिर आप मॉल में जाइए और वहां पर आप सोचिए कि वहां पर जप करें आप, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मन लगेगा ही नहीं, तो वहां पर कठिन हो जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए कि मंदिरों में हम ले, इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण इसलिए किया है कि वहां पर जो है वह इस प्रकार का वायुमंडल का निर्माण होता है। इसलिए कई लोग जो आते हैं बोलते हैं आपका मंदिर में कितना प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है, शांत लगता है, तो ये भौतिक शांति नहीं है, वास्तव में ये आध्यात्मिक वायुमंडल का प्रभाव है। वहां पर गीता पठन हम लोग करते हैं, इतने सत्संग कार्यक्रम होते हैं, निस्वार्थ भावना से हर कोई सेवा करता है, तो इतना सब करने से उस वायुमंडल का, इसलिए कई सारे श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनका जब अंतिम समय आया था, कैंसर से पीड़ित थे, तो उन्हें किसी ने कहा कि चलो आपको वृंदावन लेके जाते हैं देहत्याग करने के लिए, वो कहे नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, वैकुंठ से अभिन्न है, अमेरिका में स्थित गीता नगरी एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया, उनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे, उनका इतना विश्वास था श्रील प्रभुपाद जी जो कहे वह सत्य है, और वहीं पर भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना देह को त्याग दिया था, ताकि लोगों को ये उदाहरण स्थापित कर सके कि आप कहाँ पर मृत्यु हो रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी चेतना क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो है वो, ये जगह जो है वो वहां पर आध्यात्मिक वायुमंडल होता है। और सत्पुरुषों का प्रभाव, सत्पुरुषों का भी यदि हम लोग सत्संग करते हैं, उनकी संगति लेते हैं, तो इसके बारे में तो क्या कहना, इतना गरुड़ पुराण में, बृहन्नारदीय पुराण में इसका इतना वर्णन आता है, इतना वर्णन आता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक सत्पुरुष, एक भगवान के महान भक्त का हम लोग जब दर्शन भी कर लेते हैं, या वो व्यक्ति किसी मरणासन्न व्यक्ति के ऊपर कृपा करता है, उसे दर्शन दे देता है, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हो जाता है उसका। एक श्लोक में उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बड़ा सुंदर है, बृहन्नारदीय पुराण के पूर्व भाग में आता है ये श्लोक, गंगा महात्म्य इस का वर्णन चलता है, उसमें ये श्लोक आता है, महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातकैः परम पदं प्रयान्तेव महद्भिरवलोकिताः कलेम वरम वा तद्भस्मं तद्धूपं वापि सत्तमः यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्। महापातक युक्तावा युक्तावा च उपपातकैः, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने अगणित पाप भी क्यों न किए हुए हो, परम पदम प्रयान्ते वो परम पद को प्राप्त कर सकता है, कब, महद्भीर अवलोकिताः, जब भगवान के महद्भी यानी भगवान के महान भक्त, उनके द्वारा जब वो अवलोकिता देखा गया हो, तो भगवान के महान भक्तों के द्वारा देखा जाना, उनका कृपा कटाक्ष प्राप्त होना भी जो है वो हमारे पापों को दूर करके परम पदम को प्राप्त करा सकता है। अच्छा, जीवित अवस्था में भगवान के बड़े शुद्ध महान भक्त हमें देखे, वो तो छोड़ दीजिए, कलेवरम, यदि भगवान के बड़े भक्त किसी मृत शरीर को भी देख लेते हैं, वा तद भस्मम उसकी चिता, वा तद धूपम चिता जलते हुए उसकी चिता के धुएं को भी देख लेते हैं, या तद भस्म चिता जलने के पश्चात उस भस्म को भी देख लेते हैं, यदि यदि पश्यति पुण्यात्मा, यदि पुण्यात्मा किसी देह को देख लेते हैं, मृत देह को, उसके शरीर की चिता से निकलती हुई धुएं को देख लेते हैं, या चिता होने के पश्चात भस्म को देख लेते हैं, स याति पराम गतिम, वो व्यक्ति भी पराम गतिम को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भगवान के संतों की महती है, तो संतों के द्वारा देखा जाना या हमने संतों को देखना कितना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है हमें महान भक्तों की संगति का अभ्यास हमारे जीवन में करना चाहिए, ताकि
उनके उनका दृष्टिक्षेप, उनके चरणों की धूलि, उनके उपदेश यदि हमें मिले, उसका पालन हम हमारे जीवन में करें, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं कहा जाता। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषः। तुलयाम लवे नापि, लव मात्र भी साधु संग किसी व्यक्ति को मिल जाता है, उस स्वर्ग में जाना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेना, ये भी उसके सामने कुछ नहीं है। भगवत संगी संग से मरते नाम क्यों आशीष है, जो लोग मरने वाले हैं मतलब हम जैसे मनुष्य लोग, इनको इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है, इससे बड़ा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता हमें। तो भगवान के भक्तों की संगति मिले और उनसे भक्तों की संगति में भगवान के बारे में सुनने को मिले, इससे अच्छा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ऐसे भगवान के महान भक्तों की संगति कर सकते हैं, भगवान के बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करके सुन सकते हैं। बड़ा एक प्रश्न है, ये प्रश्नों को लेके हम लोग विराम देंगे। एक प्रश्न बहुत बार लोगों के मन में आता है, भक्तों के मन में आता है कि यदि मैं भगवान का स्मरण अंतिम समय में नहीं कर पाया तो क्या है ना, ऐसा ऐसा प्रश्न आता है हमारे मन में कि मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ, एथलेट एथलेटिक प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, 4 साल जीत पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन एथलेटिक्स मैच नहीं है हमारी, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? हम एक बड़े परम दयालु भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वो भगवान क्या कहते हैं, कफवातादि दोषेण मद्भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भगवान कहते हैं कि कफवातादि दोषेण, जैसा हमने राजा कुलचक्र की प्रार्थना सुनी थी, याद है आपको, श्रील प्रभुपाद जी का प्रिय श्लोक हमने मुकुंदमाला स्तोत्र से लिया था, कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांत मध्यव में विशतमान प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय कफवात पित्त का दोष रहेगा तो मैं भगवान का स्मरण कैसे कर पाऊंगा। तो ये भी उसी भाव में भगवान स्वयं बोलते कफवातादि दोषेण, कफवात इत्यादि दोषों के कारण मद भक्तो नचमाम स्मरेत, मेरा भक्त यदि मेरा स्मरण नहीं भी कर पाया, तस्य स्मरामी अहम, मैं उस व्यक्ति का स्मरण करता हूँ, नो चेत यदि मैं नहीं करता हूं तो कृतघ्नो नास्ति मत पर, मेरे जैसा कृतघ्न कोई नहीं होगा। तो भगवान का एक गुण है, हमने लॉकडाउन में एक श्रृंखला की थी भगवान कृष्ण के 64 गुण, उसमें एक भगवान का गुण है कृतज्ञ। कृत का अर्थ होता है किया हुआ, और कृतज्ञ ज्ञ का अर्थ होता है जानना, और घ्न का अर्थ होता है मार देना। तो जिसने कुछ किया हुआ है उसको स्मरण रखना उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं स्मरण रखता है उसे कहते हैं कृतघ्न। तो भगवान बोलते हैं कि कृतघ्नो नास्ति मत, मेरे से बड़ा कोई कृतघ्न नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जिसने सारा जीवन अपना मेरे लिए समर्पण समर्पित किया हुआ है, इतनी सारी कठिनाई थी फिर भी इसने मेरा नाम जप किया हुआ है, भले सोते सोते क्यों ना किया हो, इतनी कठिनाई थी, इतनी बारिश बारिश होती थी फिर भी यह मंदिर जाता था, फिर भी ये व्यक्ति सेवा करता था, इस व्यक्ति ने मेरे सामने सर झुकाया हुआ है, इस व्यक्ति ने मेरा प्रसाद खाया हुआ है, इस व्यक्ति को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। तो ये भगवान का बड़ा जो है वो कृपापूर्ण व्यवहार है। तो यदि हमारे मन में किंचित मात्र भी संशय रहेगा कि मुझे भगवान का स्मरण होगा नहीं होगा, तो हमारे हाथ में नहीं है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सके। तो जो हमारे हाथ में है अभ्यास करना वो हम लोग करेंगे, और जो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहरणम च, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि मुझसे स्मृति और विस्मृति दोनों आती है। तो भगवान जो चाहेंगे वो हमारे साथ हो सकता है, हमारे हाथ में जितना है हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अभ्यास करना हमारे हाथ में है, और भगवान के ऊपर विश्वास रखकर कि भगवान, इसलिए तमो मुकुंदांग्री निषेवैव अहम तरिष्यामि, एक भक्त का एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये भौतिक संसार को जरूर तर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। तो बड़ा सुंदर श्लोक ये, हमने आज इसकी चर्चा की। तो जो अर्जुन ने पहले 2 श्लोकों में 8वें अध्याय के जो 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 7वां प्रश्न ये था कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः,
तो उसमें भगवान उत्तर देना, पांचवें श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किए, यह अंतकाले च मामेव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति। जो व्यक्ति अंतकाल में अपना शरीर को त्याग करने समय मेरा स्मरण करता है, सह मद भावे में आती, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, अत्र न संशय, इसमें जो है वो कोई संशय नहीं है। तो इसमें हमने विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से ये भगवान के द्वारा दी हुई एक छूट है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतकाल में जो है वो स्मरण नहीं हो सकता। राजा कुलचेकर की प्रार्थना, कंठावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते, हम लोग स्मरण नहीं कर पाते, तो इसलिए। और हमारा हमारा अंतिम समय कब आएगा वो भी हमें पता नहीं है, क्या पता है हमें, तो वो भी पता नहीं है, इसलिए उसका अभ्यास, जैसे हमने उधर प्रभुपा जी भी इसके ऊपर जोर दिया कि नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिसका हम अभ्यास करते हैं वैसे हमारी आखिरी समय मति होती है, और उस मति के अनुसार ही हमारी जो है वो आगे चल के गति होगी। तो यह हमें करना चाहिए। और हमने अजामिल का भी जो है वो उदाहरण देखा कि किस प्रकार से अजामिल ने अंतकाल में भगवान का नाम नहीं, एक्चुअली उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया था, म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रो पचारित अजामिलोपि अगाधम किमुत श्रद्धया गणन। मरते समय नाम लिया था, अपने बेटे का नाम लिया था, और अजामिल बड़ा पापी व्यक्ति था। हम तो अभी पाप करना बंद किए, हम पुण्यात्मा है, हम बच्चों का नाम नहीं लेकिन हम लोग भगवान का नाम लेके पुकारेंगे, और अंतकाल में नहीं, उसने अंतकाल में लिया था, हम लोग हर काल लेते रहेंगे, तो किमुत श्रद्धया गणन, श्रद्धा पूर्वक करेगा तो उसके बारे में क्या कहना। तो भगवान तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऑलमोस्ट बेचे जाते हैं। तो भगवान के नाम की तो बड़ी महती है, सांकेत्यं पारिहासं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुः। अजामिल के पास्ते में यही श्लोक आता है, संकेत, किसी को संकेत करते हुए आप हरे कृष्ण वाले ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे किसी ने कहा तो उस पर भी हरे कृष्ण का जप करने का फल मिल जाता है। तो ऐसा संकेत से परिहास में, हास परिहास में, जैसे भी तैसे, जैसे खाईते सुईते नाम ले, खाते समय उठते समय सोते समय जैसे भी भगवान का नाम लिया जाएगा वो हमें फलदायी होता है, वही जो है वो हमारा अभ्यास है। और इस प्रकार से हमने देखा कि सात पुरियां हैं जो मोक्षदायिनी कही जाती है, तो स्थल का प्रभाव हमने देखा, इसलिए भगवान का मंदिर जहाँ पर, और न कि केवल भगवान का मंदिर, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि हमारे मंदिर तो वैकुंठ होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर भी भगवान के नाम का जप, जो आपका घर हो, कुछ भी कोई भी क्यों ना हो, भगवान आप भगवान का नाम का जप, कीर्तन, गीता पठन, कथा, सत्संग इत्यादि होता है, वह वायुमंडल शुद्ध है, और उस वायुमंडल के प्रभाव से भी भगवान का स्मरण आसान बन सकता है। और आखिर श्लोक हमने भगवान के महंत भक्तों का दर्शन भी, उसका भी महत्व देखा कि भगवान का बड़ा भक्त है, महत भक्त है, वो किसी पापी से पापी व्यक्ति को देख ले तो उसका उसका भी जो है वो उद्धार हो सकता है, और न केवल पापी व्यक्ति, इतना भी कहा जाता है उस पापी व्यक्ति के मूर्त शरीर को भी भगवान का बड़ा भक्त देख ले, उसके चिता से निकलने वाले धूल को भी देख ले, धुएं को देख ले, या उसके चिता के भस्म को भी देख ले, कलेवरम वा तद भस्मम तद धूपम वा ति सप्तमा यदि पश्यन्ति पुण्यात्मा स प्रयाति परम गति, उस व्यक्ति को भी परागति प्राप्त होती है। और हमने ये भी देखा कि अंतकाल में यदि हमें स्मरण नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, तो कुछ होगा नहीं, वही होगा जो मंजूर है कृष्ण होगा, कपवादादि दोषेण मद भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत परः, कि कफ वाद इत्यादि दोषों से बीमारी अवस्था में कोई यदि भगवान कहते कि मेरा स्मरण नहीं भी कर पाया तो मैं उसका स्मरण करूंगा, यदि मैं स्मरण नहीं करता हूं तो मुझसे कृतघ्न कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जिसे हम लोग कहते हैं कि आखिरी समय में हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं, तो अर्जुन के मन में मानो प्रश्न आ गया, ठीक है यदि आपको स्मरण करेंगे तो आपके धाम में आएंगे, बाकी किसी चीज का स्मरण होगा तो क्या होगा, इसका उत्तर भगवान जो है वो छठे श्लोक में देंगे। तो उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो मिलेंगे हम अगले सोमवार इसी जगह इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।